العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا الله الرحمن الرحيم وعن عثمان رضي الله عنه قال ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي حزنوا عليه

और बाज नुस्ख़ों में अन्ना हमज़ा के फ़तह के साथ भी है अन्ना यान्ना रिजामिन नबी सम हिन तफ़िया ता और वाव के जम्मा के साथ माजी मजहूल का सेगा है जब आज़ूर सलातम की वफ़ात हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला के अहाब में से कुछ लोग हजीनु अलई ही हजीना यह हजन बाब समिया फैले माजी का सेगा जमा जक़र गायब अलई ही अला मऊती ही आज़ूर अलसलात साम की वफ़ात पर और आपके चेहरे अनवर और ज़ात अकदस व अतःर से महरूम होने की वजह से नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि से सुलूम ज़ाह्रिया का इस्तेफादा और मारिफे बातिनिया का इस्ता करने से महरूमी की बिना पर हज़रा साहबा रंजीदा ख़ातिर हुए और गमज़दा हुए हटा का दम यूस विशा ये कारबा के माने में है युवसविस वस वसु वस वतन अ उनके जहनो दिमाग में अजीब तरह के ख़यालत आने लगे मिसाल के तौर पर उनके जी में ये ख़याल गर्दिश करने लगा कि जब रहबर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही दुनिया में नहीं रहे तो अब शायद दीन भी बाक़ी नहीं रहेगा और शरीयत मुतहरा का नूर भी ख़त्म हो जाएगा इस किस्म के खतरात का हज़रा साहबा के नफूस कामिला में आना ये इंतहाई उन नफूस के लिए हलाकत खेज बात थी इन्हीं वसाविस ने नेस्मान गनी जैसे जलील जलीद्र सहाबी सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वम के हाल को भी मतैर करके रख दिया था और वो होश हवास खो बैठे थे ये कैफियत इस कदर तारी हुई कि हजरत उमर हज़रतमर हज़रत उस्मान के करीब से गुज़रे और उन्हें सलाम किया मगर हज़रत उस्मान को उनके गुज़रने और सलाम करने का एहसास तक न हुआ बाज़ साहबा पर तो सुकुत तारी हो गया था कुछ बोल ही नहीं रहे थे और बाज़ ने तो आ हज़ूर सलातम की वफ़ात का ही इनकार कर दिया था ऐसे शदीद गम और अनद के मौक़े पर सिर्फ़ एक ज़ात थी सिद्द अकबर रजी अल्लाह तुकी कि अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से उनके अज़मत को ज़ाहिर फरमाया कि ऐसे नाजुक मौके पर उन्होंने इंतहाई कदमी का मुजाहरा फरमाया और ये हज़रत अबू बकर का ही हक था अलामती भी फरमाते हैं वस वसा हदीस नफ्स को कहते हैं ख़ातर नफ्स जी में आने वाले बुरे ख्याल अलास्मान हूँ वकुन तो मिन हूँ फरमाते हैं कि मैं भी उन्हीं लोगों में थे था जिन पर शदीद गम का इंतहाई असर था नाजा लुन इसी दौरान के मैं मतहैर और मुतफ़िर बैठा हुआ था गमों से चूर बैठा था मर्रा अल उमर हज़रतमर का मेरे पास से गुज़र हुआ वो गुज़रे वसलम और उन्होंने सलाम भी किया पलम अशरब ही मगर शिद्दत गम और हवल की वजह से जहूल पैदा हो गया मुझे ये तक के एहसास नहीं हुआ कि उम्र गुजरे और उन्होंने मुझे सलाम किया फलम अशर भी ही, अभी बेमरूर ही उस सलामी ही दोनों ज़मीर का मर्ज़ा, या तो मरूर या फिर सलाम आपके गुजरने का मुझे पता नहीं चला या आपके सलाम का मुझे एहसास नहीं हुआ और भी ही और यही बेहतर है अजहर भी है दोनों को मुराद दिया जाए फश्त कामर अबी बकर रज़ील्न तो हज़रत उमर ने इस बात की शिकायत हज़रत अबू बकर से की कि मैं गुज़रा स्स्मान के पास से सलाम किया उन्होंने मेरे सलाम का जवाब तक नहीं दिया तुम अकबला दोनों बुज़ुर्ग हजरत उमर और हज़रत अबू बकर हजरत स्स्मान की तरफ़ मुतवजे हुए और आए हासी जमी अन हजरत फरमाते हैं कि दोनों ने आकर मुझे सलाम किया मैंने दोनों के सलाम का जवाब दिया उस वक्त होश हवा सब ठीक थे सलाम का जवाब दिया ख़ाल अबू बकर हजरत अबू बकर फरमाने लगे माह हमला का माहमला का अला अल्ला ترد अला आकी का سلامه सलाम हो क्या उस्मान? क्या बात है उमर ने तुम्हें सलाम किया तो तुमने उनके सलाम का जवाब नहीं दिया फ़खुल तो माँ फ़ाल तो हजरत फरमाते हैं कि मैंने कहा कि हज़रत मुझे मैंने इस किस्म का फेल मुझसे इस किस्म का फेल शादिर ही नहीं हुआ अब ये आप कहेंगे कि हजरत उस्मान ने यह बात कैसे कही उसकी वजह जाहिर है इस वजह से कही है कि उन्हें हज़रत उमर के सलाम का जो पता तक नहीं चला जब पता ही नहीं चला तो जवाब कैसे देंगे फ़ाला मरु बला वल्ल लक़द फालत हरतर फ़रमाने लगे ये बात हकीक़त हाल के अतबार फरमा रहे हैं कह रहे ऐसा क्यों नहीं कसम बखुदा तुमने ऐसा किया है कला हर षमान फरमाने लगे बाज़ नुस्खों में ये लफ्ज़ काला मतरूक है लिखा हुआ नहीं है कुल तो वल्ल मा शार तो अन्ना का मर्रता वला सलमता मैंने कहा कि मैंने महसूस नहीं किया कि आप मेरे पास से गुज़रे और आपने मुझे सलाम किया शा में आयन का फतः और दम्मा दोनों सही है अन्न का मरर त बी मरर बी जैसे कि एक नुस्खे में बी का लफ्ज़ मौजूद है वाल समा शा तो अन का मरर कहना काफ़ी था मगर वाला सलमता को ताक़ीदन लाया गया यानी न मैंने आपको देखा न आपका सलाम सुना आपके गुजरने का भी एहसास नहीं और आपके सलाम का भी एहसास नहीं न मैंने देखा न सुना अला अबू बकर हज़रत अबू बकर हज़र मारे फ़ारुक रजी अल्लाह तै से फ़रमाया सदमानस्मान अपने अदम श के उज़्र पेश करने में बिल्कुल सच्चे हैं क़द श का अनदली का अमरुन हजरत अबूबक रजी अल्लाह तु हजरतमान से कहने लगे अला वजह इल्तफ़ात क्या ऊसमान तुमको किसी अमर अजीम ने शुरू और एहसास से गाफिल कर दिया था अकुल तो अजल मैंने तस्दीक किया कि जी हाँ कला अब वक्र फ़रमाने लगे माँ हुआ वो अमर अजीम क्या है कुल तो तवफल्ला तबी सवा आबादा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज़ फरमा ली कबलहू अन अन नजात नजा अमरी इससे पहले पहले कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस अमर के नजात इस अमर से न, के नजात के सिलसिले में पूछते सवाल करते दरियाफ़ करते अब आप कहेंगे कि अलम्र मुराद क्या है तो याद रखिए अम्र से मुराद वो दीन है जिस पर मुमिनीन क़ायम थे पूछने का मकसद ये है कि हम जहन्नम के अजाब से और नारे दोजक से किस तरह खलासी पा सकते हैं आपको मालूम होना चाहिए कि दीन इस्लाम ये आतिश दोजक़ खलासी का ज़रिया है और ये खलासी इसी दीन के साथ ख़ास है मख्तस है और ये भी मुमकिन है कि इससे मुराद शैतानी धोखा और रब्ब दुनिया शहवात नफ्स लज्ज़ात दुनिया मासी का अरतब ये सब बातों को मुराद लिया जाए

और सुरू में उठ खड़े हुए और लपक कर हज़रत बकर की तरफ गए और मतव होकर जल्दी से जवाब दिया जल्दी से जो है मालूम करना चाहा कि वो जवाब क्या है कुल तो भी लहू भी अभी अंत अब उम्मी अबू बकर से मैंने कहा कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों फिदा हों अंत अक हक आप ही इसके ज़्यादा हकदार थे यानी ये पूछने के अबू बकर अबू बकर फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल से यूँ पूछा था माँ न जा तो हादल अमर फ़ाल रसूल सल्हस मन कबी अमिन्नी अलमत आरज तो अला अम्मी फ़रदाह कि जो शख्स मुझसे उस कलमे को कबूल कर ले जिसको मैंने अपने चचा अबू तालिब पर पेश किया था परत दहा मगर उन्होंने उसे कबूल नहीं किया कबीला इकबल कबीला फैल माजी साद मुजक्कर ग़ायब यानि जो मुझसे अपनी रज़ा और रगबत और ख़ुशी से बिना किसी नफाक और तरद के इस कलमे को कबूल कर ले जिसको मैंने अपने चचा अबू तालिब के सामने पेश किया था अबू तालिब सत्तर साल से ज़ायद कुफर पर थे मगर उन्होंने इसे कबूल नहीं किया एक बार भी ये कलमा उनसे सादिर नहीं हुआ अगर एक मरतबा भी वो कह देते तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे लिए ये हुज्जत हो जाती इंदुल्ला उनके आग से खलासी के लिए तो बरा बताइए कि अबू तालिब जिनकी ज़िंदगी सत्तर साल से ज्याद तक कुफर पर रही अगर एक मरतबा कह देते तो आग से खलासी के लिए इंद आप वसलम के लिए हजत हो जाती मगर उन्होंने एक मरतबा भी जो है कलमे को नहीं कहा तो बुरा आप सोचें कि वो मोमिन और वो मुसलमान जिसके रगो रेशे में और गोश्त और पोस्त में ये कलेमा रला और मला हुआ है तो उसके लिए भला ये कलेमा नजात का बास क्यों नहीं भलेगा मगर आपने ये बात सराहतन नहीं फरमाई अगर सराहतन फरमा देते तो ये फखामत ज़ाहिर ना होती तो उसकी फखामत को ज़ाहिर रख करने के लिए उसे किनायतन और मुबहमन जिक्र किया गया सराहतन नहीं फ़हिया यानी कलम शहादत जिसको कलम तयबा भी कहा जाता है लहू अमन कबिला उस शख़्स के हक़ में जो इसको कबूल कर ले नजातन नजात है याद रखिए ये ऐसी हदीस है जो जिसको सहाबी ने सहाबी से रिवायत किया है यानि हज़रतमान गनी रज़ी अल्लाह तन हज़रत अबू बकर रज़ी से रिवायत किया है खुलास हदीस जहन में बिठा लें कि जो शख्स कल तोहीद को सतक दिल और कामिल एतक़ात के साथ कबूल करे नीज़ इस क़लम तोहैद के तमाम तकाज़ों पर अमल करे तो यकीन जानिए ये कलमा आखिरत में नजात का जामिन होगा इसी तरीक़े से अगर इस कलमे का विरद रखा जाए इसका वजीफ़ा किया जाए और इसके ज़िक्र की पाबंदी की जाए हमेशगी की जाए तो दुनिया में भी इसके बरक़ात और फवाद ज़ाहिर होते हैं और ज़ाहिर होंगे और ज़ाहिर हुए हैं इसी की बदौ इसके बदौलत फ़िक्र और ख़याल शैतान हमारी फ़िक्र और ख़याल पर शैतान का तसल्लुत न होगा और ना ही हमारे जहन दिमाग में और जो है दिल में खतरात और जो है बुरे वसाविश पैदा होंगे इसी तरीक़े से ज़िक्र की बरकत से नमाज़ वग़ैरह में ख़याल भटकेंगे नहीं ज़ात बारी तला की मारफ़त में इजाफ़ा होगा आख़िरत से तल्ल़ पैदा होगा और रसूल बरक़ सल अल्लाह वसम की महब्बत की ख़ास कैफियत हासिल होगी ये इस कलमे के वद और ज़िक्र के दीनी और दुनियावी कुछ फ़वाद हैं और बरक़ात हैं अल्लाह तबार तम तमाम को इस पर अमल करने की तोफ़ी कता फ़रमाएँ هديث مكمل إن شاء الله هديث عند السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله